मोहना जी आइए आइए। मिसेज आनंद हैं? हाँ है, आप बैठिए ना। थैंक यू। मोहना, अच्छा हो तुम आ गई। मेरे आने में कौन सी बड़ी बात है, मिसेज आनंद से मिलने का दिल किया, चली आई। मिसेज आनंद से या राहुल से? उनसे मिलने क्यों आते? मुझे तो मालूम है कि वो एक महीने के लिए बंबई के बाहर शूटिंग के लिए गए हैं। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हें राहुल के बारे में कुछ नहीं पता? क्या? He met with an accident. Sorry. You got a terrible shock. रामदीन जी, जरा पानी ले आना। वाकई तुम्हें राहुल के बारे में कुछ मालूम नहीं था? I'm really sorry. मुझे ये मालूम होता कि तुम्हें मालूम नहीं तो मैं इतना ब्लंटली नहीं बताता। इस सब के लिए मैं अपने आप को दोषी ठहराती हूँ। Now come on, पागल मत बनो। नहीं, आपको मालूम नहीं पार्टी के दिन न जाने में उन्हें क्या क्या कह बैठी है। सुलह करने आए थे, मैंने तो उन्हें बात करने का मौका तक नहीं दिया। Happens. कभी कभी आदमी गुस्से में बहुत कुछ भूल जाता है। लो। चोट गहरी है क्या? Oh, he's fine. फिलहाल पट्टी बंधी हुई है, 15 दिन में he will be just fine. Don't worry. Good to see you, Mona. Oh. आपने बिजी शेड्यूल से तुमने वक्त निकाल लिया। मिसेस आनंद, मैं चलूं। ओके डॉक्टर। Mona, you'll be just fine. Don't worry. Relax. All right? Okay, Mrs. Anand. यकीन करिए मिसेज आनंद, मुझे राहुल के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तब भी क्या होता? तुम दोनों के ईगो जो इतने बड़े बड़े हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मोना बेटे कि जिंदगी प्यार के लिए बहुत छोटी होती है, उसे गलत फहमियों में मत गवाओ। एक तरफा प्यार मिसेज आनंद, मुझे सिर्फ एक अभिनेत्री समझते हैं और कुछ नहीं। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं राहुल की माँ हूँ, मैंने उसे किसी लड़की के लिए इतना परेशान होते हुए कभी नहीं देखा। उनकी परेशानी की वजह मैं हूँ ये संभव नहीं। वो तो मेरी इज्जत भी नहीं करते, उन्होंने मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मेरे कैरेक्टर पर, मेरे चाल चलन पर। डू यू लव हिम मोना? Unfortunately, yes. Unfortunately? Unfortunately क्यों? क्या कमी है मेरे बेटे में? आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपको मालूम नहीं पार्टी के दिन उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा था? उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी भी सतह पर उनसे दोस्ती की उम्मीद ना करूं। तो फिर प्यार तो दूर की चीज रही ना। ये सब कहने के लिए उन्होंने आपका सहारा लिया था। मेरा सहारा? जी हाँ, आपका। उन्होंने मुझे वॉर्न किया कि आप मुझे और उन्हें करीब लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं भूल कर भी इस गलत फहमी में ना पड़ूं कि वो मुझसे प्यार कर सकते हैं। अब आप ही बताइए मिसेज आनंद, कोई भी स्वाभिमानी लड़की ऐसी वार्निंग के बाद प्यार करने की भूल करेगी? लेकिन ये भूल तुम कर चुकी हो, है ना? जी, दिल के सामने दिमाग हार मान चुका है। फिर देर किस बात की? जो चाहिए उसे हासिल कर लो। आप ठीक कह रही हैं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जरूर मिल सकती हो, मगर मेरे कहने पर नहीं। अगर तुम मिलना चाहो तो एक रिक्वेस्ट है मिसेज आनंद। क्या? उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मेरे प्रति उनका प्यार मैं खुद महसूस करना चाहती हूँ। मोना बेटी, राहुल की आंखों पर पट्टी जरूर बंधी हुई है, मगर वो सुन सकता है, वो तुम्हारी आवाज पहचान जाएगा। मैं एक गूंगी लड़की हूँ, एक हादसे में मैं अपनी आवाज खो बैठी हूँ। आपने मुझे तरस खाकर पार्ट टाइम नर्स की नौकरी दी है। That's perfect. That's a very good idea. चलो। राहुल, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है माँ। ये आपके साथ कौन है? ये आशा है, इसे डॉक्टर मर्चेंट ने यहाँ भेजा है। I don't need anybody. और फिर
मैंने डॉक्टर मर्चेंट से पहले ही कह दिया था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। मगर इससे है राहुल, एक हादसे में ये बोलने की ताकत खो बैठी है। यहाँ काम में बिजी रहेगी, इसका दिल बहल जाएगा और गम भी कम हो जाएगा। तो ठीक है माँ, आप इसे घर के काम काज में लगवा दें, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ओके, मैं रामदीन को यहाँ भेज देती हूँ। ओके माँ, इसे कहें कि ये वाली परफ्यूम ना लगाया करें। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? अभी मुझे ऐसा लगा जैसे तुम इस कमरे में आई थी। वही आठ, वही जानी पहचानी खुशबू। तुम मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो। रामदीन कहाँ है? मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। रामदीन, राहुल, रामदीन महीने भर की छुट्टी के लिए बाहर गया हुआ है। तुम जरा एक मिनट बाहर जाने तो मुना बेटे, मुझे माफ करना। आशा अभी बुलाती। ये मोहना नाम इतना जबान पर चढ़ गया है कि भुलाए नहीं भूलता। राहुल, तुम्हें अगर आशा की जरूरत नहीं है तो मैं तुम्हारा काम कर दिया करूंगी, ठीक है? इट्स ओके मां, आपको आराम की सख्त जरूरत है, और फिर 15 ही दिनों की तो बात है। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। थैंक यू। आशा बेटे, थोड़ी देर बाद जाके वहां से वो ट्रे ले लेना, ठीक है? राहुल सर, 15 दिन में आपकी पट्टियां खुल जाएगी, मुझे पूरा यकीन है यू विल बी एबल टू सी। अरे हाँ, तुम्हें थैंक्स देना भूल गया। किस बात का? अरे भाई, वो लड़की को मदद की सख्त जरूरत है। किसी शौक की वजह से वो अपनी जबान खो बैठी है। तुम्हारे साथ रहेगी, अपना दुख दर्द बांटेगी, तो हो सकता है उसकी जबान भी उसे वापस मिल जाए। और हाँ, तुम्हारा गुस्सा उसे मत दिखाना। बी काइंड टू हर एंड आई प्रॉमिस यू, जिस दिन तुम्हारी पट्टी खुलेगी उसके अगले दिन मैं उसे वापस बुला लूंगा। राइट? ओके बॉस, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, अंदर चलते हैं। हर पल हर दिन ये चेहरा क्यों मेरे मन को उकसाता है? चाहूं भी तो किस नजरों। अगर लाल गुलाब के फूल हैं तो वापस ले जाओ। ठहरो, अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं तो रख दो, रहने दो। सुनो, मैं तुम पर चिल्लाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं जाने क्यों तुम्हारी बहुत सी बातें मुझे किसी की याद दिलाती हैं। तुम्हारे पांव की आहट, तुम्हारा परफ्यूम, सुनो कहां जा रही हो? सुनकर अच्छा नहीं लगा? या फिर तुम्हारी भी अपनी कुछ यादें हैं? I
really miss her. हम फिल्म वालों की भाषा में अक्सर ये कहा जाता है कि साइलेंस स्पीक्स, लेकिन ये साइलेंस मुझे चारों ओर से जकड़ रहा है। तुम बोल पाती तो कितना अच्छा होता। तुम रोज रोज मेरी बकबक सुनकर तंग नहीं आ जाती? तुम्हें नहीं लगता जैसे तुम मुझसे कुछ बात करो? तुम कोशिश तो करो। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें उस लड़की की तस्वीर दिखाता हूं। हाँ? मैंने वो ना यहां मेरे सवाल का जवाब दो। सच सच बताओ, प्लीज सच सच बताना, तुम आशा हो या मोना? तुम वाकई बोल नहीं सकती या फिर मां के साथ मिलकर ना बोलने का ढोंग कर रही हो? तुम मेरे सवाल का जवाब दो प्लीज, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। हेलो राहुल, Rahul, Priya has come to wish you. This is to wish you all the best, Rahul. Oh, thank you. Thank you, Priya. Thank you very much. अरे वाह! ये तस्वीर अब तक कहाँ छुपा रखी थी? It's a lovely photograph of Mona. So Rahul, कल पट्टियाँ खुल जाएगी. And all is going to be well. Don't worry. हम सब वहाँ होंगे to celebrate. मैं, प्रिया, मिसेस आनंद, आशा भी होगी। मुझे क्या मालूम, खुद पूछ लीजिए। लगता है आशा प्रिया की अच्छी दोस्त है, है ना? आजकल क्या गुल खिला रही हो? प्रिया, आई नो ही लव्स मी, लेकिन अब तक साफ शब्दों में कहने से कतराते हैं। पर हुआ क्या ये तो बता। आशा जी, आपका बुलावा है। किस लिए? पूछना चाहते हैं कि कल जब पट्टियां खुलेगी आप वहां होंगी या नहीं? नहीं। क्यों, डर के भाग रही हो? नहीं, मैं डर कर नहीं भाग रही, अपनी श्रद्धा और प्यार के बदले में श्रद्धा और प्यार मांग रही हूं। मोहना, इतने दिनों तुमने उसे करीब से देखा, अब भी नहीं पहचान पाई कितना चाहता है वो तुम्हें? चाहते हैं तो कहते क्यों नहीं, यही मेरा सवाल पहले था और यही अब भी है। I'm sorry, Mrs. Anand. मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं उन्हें बेहद प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे प्यार करते हैं, मैं सिर्फ एक बार उनके मुंह से सुन लेना चाहती हूँ कि वो मुझे प्यार करते हैं। माफ कीजिए मिसेज आनंद, मैं कल यहाँ नहीं रहूंगी, मेरी तरफ से आप माफी मांग लीजिएगा, जो एक्सक्यूज बनाना चाहे वो आपकी मर्जी। प्लीज रिलैक्स मिसेस आनंद, एवरीथिंग विल बी फाइन, राहुल विल बी जस्ट फाइन। मिसेस आनंद आइए, बैंडेज खोलने की तैयारी हो चुकी है। नो डॉक्टर मर्चेंट, मुझे यहीं रहने दीजिए, जो भी खबर हो आप प्लीज मुझे यहीं सुना दीजिएगा। प्लीज रिलैक्स मिसेस आनंद, एवरीथिंग विल बी फाइन। Thank you.
मिस्टर राहुल, मैं अभी पैड्स निकालता हूँ, और आप धीरे धीरे आंखें खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, हाँ खोलिए, हाँ कुछ दिखाई देता है? Yes, I can see. मैं देख सकता हूँ. But the merchant is fine. Oh, thank you, Dr. Jadhav. Thank you, Dr. Jadhav. Thank you very much. So, back to work. Thank you, Dr. Merchant. Oh, well, thank you. My duty. I'll just join you. Yeah, I'll be there. Thank you, Dr. Jadhav. मिसेस आनंद, मिठाई खिलाएं। आइए। राहुल, लुक हियर। राहुल? मैम। बैक टू वर्क टुमारो सन। जी। आशा नजर नहीं आ रही। उसने कहा था कि वो आएगी। तुम्हारा मैसेज कन्वे कर दिया गया था राहुल, लेकिन उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया है। क्योंकि आशा ही मोना है। मैं ठीक कह रहा हूं मां? हाँ, आशा ही मोना है, और मोना आशा इसलिए बनी ताकि वो आपकी मदद कर सके। अब आपका सवाल ये होगा कि प्रकाश ने आपसे झूठ क्यों कहा। प्रकाश, माँ और मैं, हम तीनों ही मोहना को जबान दे चुके थे कि आशा ही मोहना है, ये हम आपको नहीं बताएंगे, और इसकी वजह है आपकी बच्चों जैसी जिद। लेट मी टेल यू वन थिंग मिस्टर हाई एंड माइटी राहुल आनंद, दिस टाइम यू मेट योर मैच। आखिर आप ये मानने से इनकार क्यों करते हैं कि आप मोहना को चाहते हैं, कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते? प्रिया, प्लीज। आप मोहना को चाहते हैं ना राहुल जी, तो जाकर देखते क्यों नहीं कि वो कहाँ है, जाकर उससे कहते क्यों नहीं कि आप उससे प्यार करते हैं? प्लीज प्रिया, प्लीज। प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर किसी इंसान से पहली मुलाकात में ये कह दिया जाए कि मुझसे दूर रहो, तो वो इंसान करीबी चाहते हुए भी करीब नहीं आ सकता, और ये गलती और भूल मेरे बेटे राहुल आनंद ने की है, और इसका हल ढूंढना भी इसी के हाथ है। काफी कुछ कह चुकी हैं, अब जरा मेहरबानी करके ये बता दीजिए कि उनसे मुलाकात कहाँ हो सकती है। परेशानी में हर वक्त वो एक ही जगह पे जाती है। आई थिंक आई नो दैट प्लेस। राहुल, तुम मोहना से क्यों मिलने जा रहे हो? इसलिए कि अब उसके बगैर मैं रह नहीं सकता माँ। Yes, ma. I love her. मैं मोना को बहुत चाहता हूँ। एक कशिश सी है दिल होने से दस्तक दे।